अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उषा गुप्ता और आज मैं बनाने लगी हूँ कैरेमल सेवइयाँ, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। और कैरेमल खीर तो आपने खाई होगी, लेकिन सेवइयों को भी बना के ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की लगेगी, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है चीनी, और चीनी को मैंने कर लेना है मेल्ट अच्छे से। इसी का टेस्ट सेवइयों में आएगा, जो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। यहाँ पे देखें, चीनी को मैं ब्राउन कर रही हूँ। अच्छे से जब डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर मैंने थोड़ा सा बीच में 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है, और फिर दूध ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने 3 पाव दूध ऐड कर दिया है, और नीचे लग जाएगी चीनी, लेकिन खुद ब खुद ही वो सेटल डाउन हो जाएगी जैसे जैसे दूध में बॉयल आएगा। और मैंने इलायचियाँ बीच में ऐड कर दी हैं, तकरीबन 2 दाने निकाल के बीच में से ऐड कर दी हैं। और 1 पैकेट सेवइयों का लेके अच्छे से चूरा कर लेना है, और वो मैं बीच में ऐड कर दूँगी बारीक सेवइयाँ। और फिर हीट को स्लो कर दूंगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, तो ये सेवइयाँ रेडी हो जाएंगी। और बादाम और पिस्ता लेके मैंने काट लिया था, और वो मैंने बीच में ऐड कर दिया है। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। ये कैरामिल सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती हैं। जिन्हें सेवइयाँ पसंद नहीं है, वो भी बड़े खुश होकर इसको खाएंगे, उनको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, मिनटों में बन के तैयार होने वाली। टेन से 15 मिनट में सेवइयाँ अच्छे से पक जाएंगी, क्योंकि बारीक है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी ही बन के तैयार हो जाएंगी। और फिर हमें जितनी थिकनेस रखनी होगी हम रख लेंगे। बॉयल आएगा दूध में और अच्छे से फिर ये पकती जाएंगी। ढक के रख दूंगी मैं, ताकि अच्छे से जल्दी से दूध में बॉयल आ जाए। ये देखिए, आफ्टर 15 मिनट मैंने ढक्कन हटाया है, और थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दी है, और जिससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर दूसरी नॉर्मल डेरी क्रीम भी ऐड करना चाहें, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास व्हिपिंग क्रीम पड़ी थी, तो मैंने वही ऐड कर दी है। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड किया, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं की। अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, और इनको ज़्यादा भी थिक नहीं करना, थोड़ा सा पतला पतला रहने देना है, क्योंकि पतली पतली सेवइयाँ अच्छी लगती हैं। और अब मैं कर लूँगी डिश आउट। काइंडली अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक भी कर दिया करें। देखने में ये कैरामल सेवइयाँ जितनी अच्छी लग रही हैं, ऑब्वियसली खाने में इतनी ज़बरदस्त और मज़े की थी। इनका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना इनको पतला रखा है इस तरीके से। गर्मा गर्म कैरामल सेवइयाँ रेडी हैं, जो कि गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़।